हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। लगातार हम आपको अपडेट देते हैं और आज का जो डेट है वो आपका 26 नवंबर है। 26 नवंबर के क्या सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी बेसिकली दो अपडेट पे मैं डिस्कस करूंगा और कई सारे अपडेट पे मैं काम भी कर रहा हूं। अभी मैं आपको पीपीयू और पीयू के जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो पेपर के कटिंग में जो इन्फॉर्मेशन आया, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ डिलीवरी करते हैं और आपको डिलीवर करके आपको अप टू डेट करते हैं। तो पीयू और पीपीयू के जो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, पेपर के कटिंग के थ्रू ही सारा अपडेट को समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होना चाहिए। पीपीयू का जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, जिसके रिगार्डिंग मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था और इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको दिया था और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन को समझाया था कि पीपीयू एक बार आपको फिर से चांस दे, यानी अपने जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस था रेगुलर कोर्स के लिए, जिसको क्लोज कर चुकी थी, उसको एक बार फिर से आपके लिए बढ़ाई है 29 नवंबर तक। क्या सारा प्रक्रिया है, क्या सारा प्रोसेस है, पूरा विशेष में अगर आपको पूरा फुली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर कल वाला वीडियो देख लीजिए। अभी मैं आपको अपडेट कर रहा हूं और अपडेट के टाइम में चलिए पेपर के कटिंग से ही अपडेट को पूरा समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं पेपर के कटिंग पे। ये हमारा रह गया पीपीयू का अपडेट, जिसमें देखिए बताया जा रहा है कि पीपीयू के कॉलेजों में 29 तक होगा नामांकन। पढ़ के आपको बताते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 29 नवंबर तक एक बार फिर से स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ की गई है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो एडमिशन क्लोज हो गया था उसे एक बार विस्तार किया गया, उसे एक बार एक्सटेंड किया गया, जिसके लिए 25 से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज 26 कई सारे स्टूडेंट्स कल भी ट्राई किए हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर अभी तक आपका एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या सारा प्रोसेस करना है, आपको ऑफर लेटर यानी ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में डायरेक्टली विजिट करना है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट बनाने का कोई भी प्रोसेस होगा। डायरेक्ट वहां पे समझिए कैजुअल एडमिशन चल रहा है, यानी स्पोर्ट एडमिशन का ही यहां पे दूसरा नाम कैजुअल एडमिशन हो गया। तो अगर मैं पूरी प्रक्रिया को एक शॉर्ट व्यू में आपको बता दूं, तो इसमें तीन प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट जो कि नॉन रजिस्टर्ड है, एक ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है और एक ऐसे स्टूडेंट रजिस्टर्ड भी है और एडमिटेड भी है। तो बता दें एक करके, अगर नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है तो आपको क्या करना है, नया एप्लीकेशन को सबमिट करना है। न्यू एप्लीकेशन को आप सबमिट कीजिए। एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपको 300 रुपीज का चार्ज देना होता है। जैसे ही आप ऑनलाइन वेबसाइट को चार्ज देते हैं, यानी यूनिवर्सिटी को आप चार्ज पे करते हैं, इसके बाद आप ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज विजिट कीजिए और कॉलेज विजिट करने के बाद क्या करना है, आपको अपना ऑफर लेटर देना है। अगर जो भी सीट में, अगर जो भी सब्जेक्ट में सीट खाली होगा, इसके बाद आपको इंस्टेंट एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है। याद रखना है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया के रिगार्डिंग हमारा वीडियो है, तो वीडियो देख करके पूरी एप्लीकेशन को सबमिट करें और जो कल का वीडियो है वो सेपरेट तरीके से देख भी ले, ताकि पूरा अपडेट आपको सही से समझ में आ जाए। अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से पीपीयू की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाए और लॉगिन होने के बाद अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करें। ब्लैंक ऑफर लेटर में दो प्रकार का पार्ट होता है। ब्लैंक ऑफर लेटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है ऊपर का स्टूडेंट्स कॉपी, नीचे का होता है कॉलेज कॉपी। आपको क्या करना होता है, जो भी चॉइस चाहिए आप उसमें ऊपर और नीचे दोनों में चॉइस को फिलअप कीजिए। टू द प्रिंसिपल करके एक ब्लैंक होता है जगह पे, उसी का नाम है, उसमें आप चॉइस फिल कीजिए। उसके बाद बताइए कि आपको कौन सा ऑनर्स चाहिए। इसके बाद आप भी कॉलेज के काउंटर पर जमा कीजिए। जो भी ऑनर्स में सीट खाली होगा, इसके बाद आपको इंस्टेंट एडमिशन दे दिया जाएगा। दूसरी बात, जो तीसरी बात आती है वो है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है बट एडमिटेड भी है। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, अगर उनको एडमिशन लेना है इस प्रोसेस में भी, मतलब बेहतर कॉलेज के चक्कर में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको पहले पुराना वाला एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, उसको अपडेट कराना पड़ेगा, फिर इसके चॉइस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पुराना एडमिशन को कैंसिल करवाते हैं और नया एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो नया एडमिशन आपको 100% मिल ही जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो कोई भी काम सोच और समझ के कीजिएगा। ये तो पीपीयू के जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे, तीनों अपडेट को मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया हूँ। अब पीयू के अपडेट के बारे में आपको डिस्कस करते हैं और जो भी पीयू और पीपीयू से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होता है, तो फिर 1 बजे के बाद आप हमें मैसेज कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं 10 से 1 बजे तक कहीं एग्जाम में जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल का एग्जाम है, तो फिर मैं आपके कॉल को पिकअप नहीं कर सकता हूँ, आपके मैसेज का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। बात रहे अगर पीयू के अपडेट के बारे में बात करें, तो पीयू के अपडेट में साइंस कॉलेज में आज 98 सीटों पर नामांकन होना है। नामांकन का मतलब है कि आज डॉक्यूमेंट जमा होगा, क्योंकि कल जो था वो पेमेंट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट आया, वो स्टूडेंट्स पेमेंट कर चुके हैं और पेमेंट का जो सीट का जो स्टेटस, इसमें जो घट रहा होगा मैं आपको समझा देता हूँ। 118 सीटों पर अलॉटमेंट आया स्टूडेंट्स का, जिसमें मात्र 98 स्टूडेंट्स ने पेमेंट किया। इसका मतलब है कि 98 स्टूडेंट्स आज एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि 98 स्टूडेंट्स है, तो इतना कह सकता हूँ कि 80 स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेने जाएंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको पसंद नहीं आया होगा, तो वो हो सकता है कि एडमिशन लेने नहीं भी जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में 118 सीटों में से 98 सीट अभी रह गया, इसका मतलब है कि 20 सीटों तो अभी भी 20 सीटें बच रही है, लेकिन 20 सीटों बच रहा है उसका कारण है कि स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं किया, ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, इसके कारण 20 सीटें अभी भी बच रही है और ये 20 सीटें ही कैजुअल एडमिशन के लिए फिर प्रिपेयर हो जाएगी। इसी तरीके से हर कॉलेज में कैजुअल एडमिशन के लिए सीट बच रहा है, जो कि सारा सीट कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में कंप्लीट होगा। अगर बात करें पीयू के दूसरी अपडेट के बारे में, तो पीयू में आज है डेट आपका 26 नवंबर और 26 नवंबर के पीयू के अकॉर्डिंग, यानी पीयू के जो आपका एडमिशन का शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग 26 नवंबर को स्टूडेंट्स चॉइस फिलअप करेंगे पटना कॉलेज के लिए। चॉइस फिलअप करने के बाद कल स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट आएगा 27 को, फिर एडमिशन की प्रोसेस 28 को कंप्लीट करेंगे। तो आज अपना चॉइस फिलअप कीजिए। चॉइस फिलअप करने के रिगार्डिंग भी हमारे कई सारे वीडियोज है, कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप उसे कमेंट्स में मैसेज करके रखिएगा और मैं आपके लिए 1 से लेकर 2 बजे के बीच में स्टैंड अप रहूंगा। जितना मैसेज करना रहे, जितना कॉल करना रहे, सारे कॉल को मैं पिकअप करूंगा और 1 से 2 के बीच में जो भी आपके सारे प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो सारा अपडेट आज का था वो अपडेट आपको प्रॉपर्ली समझ में होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर सारे अपडेट हमारे आपके टू द टाइम आपको मिल सके। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।